एवरीवन, आई पी के चौधरी वेलकम्स यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सैम फोर के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कौन से होते हैं? तो बेसिकली कौन से होते हैं, किनको बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स है डी ब्लॉक में, उन सब का दूसरा नाम है। जैसे अपना कुछ ना कुछ घर पे नाम होता है ना, वही क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, या तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दो या फिर क्या बोल दो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दो, बात क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया लेंगे हमारी पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी पीरियोडिक टेबल कैसी है। ऑब्वियस है, नाइन्थ क्लास में ही हमें पता चल जाता है कि टेबल ऐसी होती है, बट फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो बेसिक सा व्यू अगर मैं बनाऊं तो हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी होती है। यहां पे ग्रुप वन, ग्रुप टू है ना, जो ये वाली है वर्टिकल लाइंस, ये कौन सी होती हैं? दो ही बनाने हैं, सॉरी। जो वर्टिकल लाइंस है ऐसे, ये वाली लाइंस ऐसे, ये क्या होते हैं मेरे पास? ग्रुप्स होते हैं, है ना। और जो हॉरिजेंटल ऐसे वाले होते हैं, ये क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। ठीक है, ये चीजें पता है ना। पीरियड्स कितने होते हैं? टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं हमारे पास? 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये ऐसे जो है ग्रुप वन, ग्रुप टू, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पे ग्रुप वन टू, यहां पे आ जाता है मेरे पास 13 to 18, और बीच वाले कितने? 3 to 12, ये वाले है ना। और जो ऐसे वाले बनते हैं, ठीक है, ऐसे रफली बना रही हूं, ये वाली चीजें क्या है मेरी? पीरियड है। ठीक है, कितने होते हैं? 1 to 7। ठीक, इतनी सी बात समझ आई। पीरियोडिक टेबल में दो चीजें हम डिफाइन करते हैं, उसकी जितनी भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? ग्रुप या फिर पीरियड कह लो, है ना। अगर मैं बात कर रही हूं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, या तो पीरियड की बात करूंगी या फिर किसकी बात करूंगी? ग्रुप की बात करूंगी, है ना। तो क्या करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए या डिफाइन करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड में हमारे एलिमेंट्स को क्या किया, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, एक ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स डाले हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होंगी, सेम होंगी, सेम प्रॉपर्टीज वो क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो समझ आया, ग्रुप 1 to 18 और पीरियड 1 to 7। ठीक है, अब देखो, जो ग्रुप 1 and 2 है ना, ये वाला ग्रुप 1 and 2, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ये क्या है मेरे पास? 3 to 12 डी ब्लॉक। ठीक है, और क्या है मेरे पास? ये वाला 13 to 18 पी ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक्स हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं? 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और क्या होते हैं? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक हमारा क्या होता है, यहां पे हम शो करते हैं, ये क्या है मेरे पास? एफ ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है? एफ ब्लॉक। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अलग होती है, इसलिए इसको क्या कर दिया, पीरियड से, मतलब पीरियोडिक टेबल से बाहर ही डिफाइन कर दिया, रख दिया कि इनको अलग ही पढ़ना है हमें। ठीक है, इतनी बात समझ आई, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और सॉरी पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, और ये क्या है? एफ ब्लॉक है। आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? डी ब्लॉक। मतलब डी ब्लॉक हम कम पढ़ते हैं, है ना। मतलब क्या होता है कि ये तो एलिमेंट्स लर्न नहीं होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट से हैं, कुछ भी नहीं होता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास डी ब्लॉक होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हैं उनमें जो मेटल होता है वो कौन से होते हैं? डी ब्लॉक से ही होते हैं, है ना।
तो मेन क्या है, स्पेसिफिक जो हमें इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, डीप्लो होता है। हमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, एस और पी से करते हैं, है ना। तो इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं, एस और पी से बहुत अच्छे से हमें आता है, इजी से लगते हैं, बैंगन आलू गाजर हमें लर्न भी हो जाते हैं, है ना, नाम वगैरह भी लर्न हो जाते हैं। लेकिन डी भी बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हायर क्लासेस में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमें डी से ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, और टॉपिक्स भी कवर होते हैं। पीरियोडिक टेबल की बेसिक सी व्यू ये था, ठीक है, समझ भी आ गया होगा, है यू, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक में, यहाँ पे क्या होते हैं, ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इधर से हम जा रहे हैं एस ब्लॉक से जा रहे हैं पी की तरफ, तो मेटेलिक जो करेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, मेटेलिक करेक्टर का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो बीच में है पी, सॉरी डी ब्लॉक, बीच में हो गया पी और एस के, यानी इसकी जो डी ब्लॉक की एलिमेंट्स है ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो किसके बीच में होगी, एस और बी के लाइन बीच में करेगी, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज इससे ज्यादा इससे कम, कुछ ऐसा ही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल का व्यू आपको समझ आ गया होगा। अब देखो जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं उनको, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो है पी क्यों बोलते हैं, इसमें एस क्यों बोलते हैं। यानी स्पेसिफिक हमने कैसे किया कि वाई वी कॉल, यानी क्लासीफाई कैसे किया, क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, वाई द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर प्लेस्ड, है ना, या वाई वी कॉल दैम डी ब्लॉक, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा, मतलब क्या है कि जो एस ब्लॉक है ये एस ब्लॉक ही है, इस एलिमेंट्स को इनको क्लासिफाई कैसे किया कि ये एस ब्लॉक में आएंगे, ये पी में आएंगे, और ये डी में आएंगे, और ये एफ में आएंगे। यानी क्लासिफाई किस बेसिस पे किया, क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे किया कि एस ब्लॉक में आएगा ये एलिमेंट, ये पी में आएगा, ये डी में आएगा, है ना एलिमेंट। अब मेन क्वेश्चन है ना कि कैसे क्लासिफाई करेंगे। अब मैं कह देती हूं कि इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो कैसे पता चला, तो मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, क्या होता है कि जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या बोल रही हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट का, वो जिस भी किसमें करेगा, सब सेल में लाए करेगा, ठीक है, वो उसी ब्लॉक में आता है, वो क्या करता है, उसी ब्लॉक में आता है। यानी मान के चलो अगर मेरा क्या है S1 आ रहा है, ठीक है, S2 आ रहा है, S3 आ रहा है, S4 आ रहा है, ये सारे क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन S में है ना, S सबसेट में है, तो ये किसका एलिमेंट है, S ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। जैसे सेम चीज अगर मेरे पास D1 है, D2 है, D3 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आ रही है, तो मैं क्या करूंगी कि ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अगर पी वन आ रहा है, टू पी वन, टू पी टू, ठीक है, थ्री पी आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। यानी बेसिक सी बात क्या है, जो मेन पॉइंट है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल में आ रहा है, किस सेल में आ रहा है, यानी एस में आ रहा है, डी में आ रहा है, पी में आ रहा है, एफ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं ये एलिमेंट क्या किया, क्लासिफाई किया कि ये पी का है, ये एस का है, ये डी का है। कितनी सी बात समझ आई, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता होगा बेसिक सी चीज, क्या जो एस है उसमें क्या होता है, एक ऑर्बिट होता है, पी है पी में थ्री ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, और डी में कितने होते हैं, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। और एफ में कौन से होते हैं, एफ में होते हैं हमारे पास सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन,
ठीक है, ये क्या है? बात कर रही हूं मैं ऑर्बिट्स की बात कर रही हूं। अब देखो एस क्या है, एक ऑर्बिट है, तो एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये रूल्स हम प्लस टू में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, प्लस वन में है या टू में है, वन में है सो ठीक है। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब हमने ये रूल पढ़ा था 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे फिल कर दिया। अपोजिट स्पिन्स क्या होते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एस में कितने आ सकते हैं? 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने आएंगे पी में? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल की बात करें, कम ज्यादा होते रहते हैं, मैक्सिमम इतने आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, एफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं एफ में, ठीक है। समझ आ गई क्या है? सिंपल सी चीजें हैं, बेसिक सी बातें हैं, बट आगे क्या आएंगे हमें यूज करनी है, तो ये ना हो कि मैं सिर्फ रट्टा मरवा दूं तुम्हें कि ऐसे लर्न कर लो। तो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एस है, एस में कितने हैं? 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, डी में 10 और एफ में 14। समझ आ गया? इसका जो लर्न करने का वे कैसा होता है, सिंपल ऐसे भी लर्न कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, और नंबर्स लिखो 1 3 5 और 7। ये क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ और ऑर्बिटल्स लगा लो, ठीक है। ऑड नंबर से याद रखने हैं, सिंपल सीक्वेंस यही रहेगा, हमें पता है पहले एस आता है, पी डी और एफ, है ना। तो इसमें क्या हो गया, 1 3 5 7, ये क्या है? ऑड नंबर्स है सब। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, इन सबको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? 2 के साथ। तो 2 1 जा 2 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14। यानी ये मेरे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ आ गई? ये ऐसे फील करते हैं, ठीक है। इस वे में अगर लर्न करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल एसपीडीएफ क्या लिखना है? ऑड नंबर्स लिखने हैं, जो ऑड नंबर्स है वो जितने ये बॉक्सेस जो बनते हैं वो है, यानी ऑर्बिटल्स है, और इनकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। उसके बाद देखो पीरियोडिक टेबल हो गई, क्वेश्चन पता चल गया कि कैसे हम पता कैसे चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन एस का है, ये पी का है और ये डी का है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। अब मैं रफ कर लेती हूं 1 मिनट। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी जो डीप लोक एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड या फिर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं? तो बेसिकली देखो क्या है, हम एक वो करते थे, कुछ चीज खाते थे वो बचपन में, अभी भी आती होगी शायद, मैंने तो खाई है, एक वो होती थी पैकेट सा होता था, गुरु और चेला, है ना, एक पैकेट होता था
इतना सा, आई थिंक ग्रीन कलर का होता था, ठीक है, उसका नाम था गुरु और चेला, है ना। तो उस पैकेट को अगर मैं ऐसे पकड़ लेती, क्या करती, ऐसे पकड़ते तो क्या था, गुरु दिखता, उसको ऐसे रोटेट कर देते, यानी उसको ऐसे मतलब रोटेट कर दे तो चेला की मतलब चेला दिखता था फोटो में, है ना, कुछ ऐसा ही होता था। यानी क्या हो रहा है, ये वाली ट्रांजिशन इसमें, ये वाला ट्रांसलेट हो रहा है इसमें, यानी थोड़ा सा क्या कर रहा है, पलट ही रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहा है, पलट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल सा था, ठीक है। अब ट्रांजिशन में क्या करते हैं, क्या है हमारे पास, डी ब्लॉक है, एक दो तीन चार और पांच, है ना, यही होता है। डी ब्लॉक में कितने होते हैं, पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हमारे पास कौन कौन से होते हैं, डी एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, यही होता है। ये क्या है, नाम है, डी ब्लॉक में, डी में ये होते हैं हमारे पास, ठीक है, एक्स सॉरी उसमें क्या होता है, ओनली एस होता है। पी में कौन से होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तीन ही होते हैं, ठीक है। फाइव इसमें डी में होते हैं, ये चीज पीछे रह गई थी बताना, अब आगे, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करेगा ट्रांजिशन, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ग्राउंड स्टेट पे है इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है मेरी, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनको कुछ ना कुछ एनर्जी दे दूं मैं, एनर्जी दूंगी तो क्या होंगे, एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन ही बोलते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर वहां से वापिस भी आ जाए, अगर एनर्जी वो लॉस कर देगा, जो एनर्जी उसने गेन की कुछ टाइम के बाद वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा, स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो वापिस भी आ जाएगा। यानी इस मूवमेंट को एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। जो मैंने एग्जांपल दिया था उसका क्या मतलब था, वही था कि एक है उसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगी दूसरी फोटो बन जाएगी, है ना, ऐसे है, एक फोटो है गुरु की है, थोड़ा सा रोटेट किया तो चेले की फोटो बन जाती है ना, तो वो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, एक का दूसरे में कन्वर्ट होना क्या होता है, ट्रांजिशन ही होता है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन बोलते हैं। अब यहां क्या मतलब है जी इसका, देखो हमारे पास क्या है, ये फाइव ऑर्बिटल्स हैं डी के। अब क्या करेगा, कोई भी मेटल है डीजनरेटेड है, ये क्या है, कोई भी मेटल है अकेला, ये क्या है, डीजनरेटेड एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सबकी सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी, डीजनरेटेड का मतलब है सेम एनर्जी, इस ऑर्बिटल की, इसकी 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 सबकी, यानी कोई भी उठा लो सबकी एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी पे है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डीजनरेटेड एनर्जी लेवल, क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड एनर्जी लेवल, ठीक है। अब देखो अकेला क्या है, मेरे पास मेटल है, अकेला क्या है, मेटल है, यानी उसके ऑर्बिटल्स क्या है, सारे सेम एनर्जी के हैं। अब उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो हमारे पास क्या आएगा, लिगेंड, क्या बोलते हैं, लिगेंड, लिगेंड, ये हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, मैं ज्यादा इसमें डीपली नहीं रहेंगे, बस मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मत समझना कि लिगेंड नहीं बताया क्या होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है थर्ड चैप्टर इसी बुक का उसमें करेंगे। कोई भी मेटल है, एक लिगेंड है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेशन के लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब लिगेंड क्या करेगा, अटैक करेगा, किसके पास आएगा, मेटल के पास आएगा, मेटल से अटैक होगा, मेटल के पास आएगा, तो मेटल के पास क्या है,
सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब सॉरी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है, सेम है, तो क्या करेगा ये, इसके पास आ गया, पास आने के बाद भी क्या रहेगी, एनर्जी सेम रहेगी सबकी, बस थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज होगी सबकी। ये भी क्या है, डीजनरेटेड है, ये भी क्या है, डीजनरेटेड है सारे। अब क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड है वो अटैक करना स्टार्ट करता है, इनके पास ऑक्यूपाई करना लग जाता है। अब ऑक्यूपाई करेगा तो ये स्प्लिट हो जाते हैं टू सेट्स में, किसमें, टू सेट्स में ये स्प्लिट हो जाते हैं, एक मेरे पास 1, 2, 3, 3 यहां पे और 2 यहां पे, ठीक है। यहां ऊपर वाले क्या होते हैं, x² - y² dz² और यहां पे क्या है, xy, yz and xz, ये वाले, ठीक है। ये मैंने बताया ऑक्टाहेड्रल के केस में, ये हम क्या बता रही हूं मैं, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें हम ये डायग्राम्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो एनर्जी क्या हो गई, दो सेट्स बन गए, इस सेट को हम बोलते हैं T2G, इसका नाम रख दिया, इसका मैंने नाम रख दिया EG। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूं मैं, अब इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज कि ऑक्टाहेड्रल क्या है, T2G क्या है, EG क्या है, ये आपके अभी इसमें यूज नहीं होने वाले, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल मैं 4th चैप्टर में करवाऊंगी CFT, ठीक है। तो बस समझ लो थोड़ा सा, क्या है, एलिमेंट्स थे DXY और ये ऑर्बिटल्स है, ये क्या हो गए, कोई भी लिगेंट आया, कोई भी एलिमेंट आया, इनके पास लगा लो तो क्या हो गया, स्प्लिट हो गए ये दोनों में, ठीक है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट किया, 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर वाला नीचे भी आ सकता है, यानी इसमें क्या हो सकता है, स्प्लिटिंग यानी ट्रांजिशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, इस स्टेट से यहां, यहां से यहां, है ना, तो क्या है, इसको बोलते हैं स्प्लिट होना, दो यानी डी ऑर्बिटल्स जो है दो सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के कारण उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, क्या जाता है, एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। एनर्जी डिफरेंस आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां पे फिट हो जाएंगे, कुछ ऊपर भी चले जाएंगे, ठीक है। इसकी मतलब यहां से यहां जा रहे हैं, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ट्रांजिशन, क्या हो रहा है, ट्रांजिशन, इसकी वजह से इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों, क्योंकि वो स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फिल होंगे, यानी देखो एक एक यहां पे हो गया तो थर्ड यहां पे जाएगा, सॉरी थर्ड यहां पे, फोर्थ यहां पे, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, यहां ना जाए, यहां पे भी फिल होना स्टार्ट हो जाए, कंप्लीट फिल होने के बाद, कंप्लीट फिल हो गया फिर यहां पे जाए, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स का यहां से यहां, यानी लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इतनी सी बात समझ आ गई, तो ये बेसिक सी चीजें थी। क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, तो आप CFT करोगे ना, और अच्छे से ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें आपको बेसिकली बस यही याद रखना है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट होती है, ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हमने थोड़ा सा बेसिक सा ही किया है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे हमें पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्न करेंगे क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को सबको, उनके सिंबल्स को, और फिर क्या करेंगे, उसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लर्न करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। वीडियोस कैसी लग रही है, अपना व्यू जरूर शेयर करना। थैंक यू।